भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो जो भाई मैं प्रति वीडियो में बकता रहता हूं, आप लोग मतलब समझते होंगे कि बकता है, लेकिन मैं बकते रहता हूं कि आप लोग इस श्रम कार्ड क्यूआर कार्ड जो भी मतलब कार्ड मैं बताता हूं आप लोग बनवा लीजिएगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग बनवा लीजिए, लेकिन मेरे बात पर जो भी भाई बंधु अभी तक नहीं बनवाए हैं तो वो लोग अभी जाके तुरंत बनवाएं। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो मेरे भाई पहले से बनवा चुके हैं उनके खाते में 2,000 रुपया जाना चालू हो गया है। दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में 2,000 तो चला गया था, लेकिन जिनके में नहीं गया था उनके खाते में 2,000 रुपया फिर से जाना चालू हो गया है। अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं तो जाके अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, शायद आपके खाते में भी 2,000 रुपये चला गया है। दोस्तों ई श्रम कार्ड का ये बेनिफिट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर क्यूआर कार्ड बनवाए होंगे तो दोस्तों ज्वाइनिंग में काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ ई श्रम कार्ड जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मोबाइल नंबर एक्टिव रखिएगा, मतलब लिंक करा के रखिएगा, ऐसा मोबाइल नंबर रखिएगा जो कि मतलब परमानेंट आपके पास ही रहे, और मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोग उसे ज़रूर बनवाइएगा ई श्रम कार्ड को। तो आपको आज कन्फर्म पता चल गया होगा कि आखिरकार ई श्रम कार्ड मतलब मैं क्यों कहता था बनवाने के लिए। अभी तो दोस्तों ये ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरा बाकी है। अभी ई श्रम कार्ड BRMJSS में अगर ज्वाइनिंग होती है तो उसमें ई श्रम कार्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों ये 2,000 रुपया मोदी जी की तरफ से आ रहा है ई श्रम कार्ड के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में, वो दोस्तों अलग है, वो तो दोस्तों डायरेक्ट मोदी जी के मतलब संस्था के द्वारा आ रहा है ई श्रम कार्ड में। अगर दोस्तों BRMJSS में ज्वाइनिंग होती है तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाली है। अगर ई श्रम कार्ड होगी तो ज्वाइनिंग पक्का आप लोगों को ही मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार ई श्रम कार्ड ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग जाइए अभी अपना बैंक अकाउंट जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका अगर पैसा नहीं आया है तो आपका सेकंड शिफ्ट में पैसा भेजना चालू हो गया सरकार की तरफ से, आपका पैसा जरूर चला आया होगा। अगर सेकंड शिफ्ट में भी नहीं आती है तो थर्ड शिफ्ट में आएगा, मतलब थर्ड में नहीं आती है तो फोर्थ में आएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत मतलब सारे लोग लगभग सभी लोग ई श्रम कार्ड को बनवा लिए हैं। तो सरकार को जाँच पड़ताल करना है कि आखिरकार गरीब है कौन, मजदूर है कौन, मतलब लो कैटेगरी के है कौन, मीडियम कैटेगरी का है कौन, और उसी में जांच पड़ताल करके और उन्हीं लोगों के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया। अगर आप अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं, ई श्रम पोर्टल पे जाइए और अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ बिल्कुल फ्री बन रहा है, बिल्कुल फ्री। अगर आप किसी साइबर के मतलब पास जाइएगा, साइबर कैब पर जाइएगा, तो दोस्तों वो आपको 20 से 30 रुपये लेगा, मान लीजिए 50 रुपये लेता है, मान लीजिए सपोज है तो एक कार्ड भी तो देगा ना, और 50 रुपये लेता है तो आपका 2,000 रुपया तो आ जाएगा भाई साहब। अगर आप लो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मोदी जी के मतलब जो भी ऑफिसर हैं उनके नज़र में आते हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगी, और नहीं अभी तक मिले होगी तो आप वेट कीजिएगा, आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आपको ट्रेलर में इतना ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, 2,000 रुपया मिलने लगा, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। दोस्तों ज्वाइनिंग होगी तो अपना पूरी फिल्म चलेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ई श्रम कार्ड का जो भी मतलब मेरे भाई बनवाए हुए थे ई श्रम कार्ड, उनके खाते में सेकेंड पेमेंट जाना चालू हो गया दोस्तों 15 मार्च, लास्ट अपडेट किया गया था 15 मार्च 2023 से, 15 मार्च 2023 से दोस्तों इसमें खाते में पैसा जाना चालू हो गया है। सेकेंड शिफ्ट का पैसा 15 मार्च 2023 से जाना चालू हो गया है। अगर आपका भी पैसा नहीं गया है तो वेट कर लीजिएगा, आपके खाते में भी जाएगा। अगर नहीं गया है तो थर्ड शिफ्ट में ज़रूर जाएगा, लेकिन दोस्तों जाएगा ज़रूर। 15 मार्च से पैसा भेजाना फिर सरकार चालू कर दी है ई श्रम कार्ड पोर्टल के द्वारा। अगर आपका बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर सब कुछ सही है तो आपको बैंक अकाउंट को चेक करा लेने की ज़रूरत है, आपके खाते में पैसा चला गया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं किनके खाते में पैसा चला गया है ई श्रम कार्ड के द्वारा 2,000 3,000 रुपया, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नहीं गया है तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि मेरे में सर नहीं आया है, उसके लिए मैं देखूँगा उसके लिए क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है, कब तक उसका पेमेंट आएगा जिनके खाते में नहीं गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रहने वाला था, वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों आज जाइए अपने नज़दीकी साइबर कैप पर, अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा, ज्वाइनिंग में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाली है।